आप जो है कि तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो ये आपने स्ट्रॉबेरी का भी एक तरह से एक्सपेरिमेंट पहली बार किया है, हाँ किए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ फ्रूट की सेटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, तो सर इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए कि क्या ये मतलब इतना सेटअप करने में आपको कितना खर्चा आया है। इतना सेटअप करने पर जो पौधा लगा हुआ है, इसको अभी ट्रायल ही लगाए हुए हैं, अच्छा, इतना सेटअप करने पर लगभग 20,000 रुपये खर्चा आया हुआ है। अच्छा, सिर्फ 20,000? 20,000 रुपये खर्चा आया हुआ है, क्योंकि लगा हुआ लगभग 1200 पौधा लगा हुआ है। अच्छा, 1200 ट्रायल के रूप में लगाए हुए हैं इस क्षेत्र में, ताकि देखें इस क्षेत्र में कितना बढ़िया ग्रोथ होता है कि नहीं, कि अच्छी मैंने एक किसान लगाए उसको अच्छा आय मिलता है कि नहीं। यदि अच्छी आय मिलेगी तभी उसको किसानों को मैंने संस्तुत किया जाएगा, आप भी लगाइए और ज़्यादा अपना इनकम बढ़ाइए। जब किसान का इनकम बढ़ेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, तो समाज में भी उसकी इज्जत अच्छी होगी। इसलिए मैं ट्रायल के रूप में लगा रहा हूँ ताकि वो अधिक से अधिक फायदा कमा सके किसान। तो सर जहाँ तक आप बता रहे हैं ये पूरा 20,000 का सेटअप है, तो ये मुझे देखने में तो काफ़ी सस्ता लग रहा है, क्योंकि मैं और भी जगह गया हूँ तो वहाँ पे बजट उन लोगों का काफ़ी ऊपर चला जाता कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट। एक पौधे जो हम लोग बाहर से पौधा जो मंगाए हुए हैं, बाहर से पौधा वो हम लोग मंगाए राजस्थान से मंगाए हुए हैं, जयपुर से राजस्थान, बहुत बड़े एक सेलर हैं, मतलब ये जो वैरायटी है विंटर डाउन लगाए हैं, कि विंटर डाउन इसलिए लगाया गया है और वैरायटी की तुलना में मैं देखा इसका स्वाद बहुत अच्छा, मीठापन इसमें ज़्यादा है, इसलिए उस स्पीसीज को लगाया गया है ताकि इसका डिमांड ज़्यादा रहे, डिमांड ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा इनकम किसानों को आसानी से मिलता रहता है। तो सर हम चलते हैं अपने मेन कंटेंट पे। अगर मान लीजिए जो किसान भाई हैं, जो भी लोग देख रहे हैं आपको, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है और आपकी जानकारियाँ सटीक और व्यवहारिक होती हैं, तो सर अगर ये शुरू करना है तो कैसे वो शुरू करें, इनिशियल स्टेप्स क्या हैं? इनिशियल स्टेप के लिए सबसे पहले उसको ये करना पड़ेगा खेत की तैयारी बढ़िया से कर ले। खेत की तैयारी जब बढ़िया से कर लेता है तो उसमें खेत की तैयारी मतलब कि उसमें 20-25 टन गोबर की खाद एक एकड़ में डाल दे बढ़िया से। अच्छा। और डालने के बाद उसमें कुछ फर्टिलाइजर भी डाल दे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी खेत में, जैसे नाइट्रोजन 100 केजी डाल दे, फास्फोरस 60 केजी और पोटास भी 40 केजी पर मतलब एकड़ के हिसाब से डाल देगा। डालने के बाद खेत को मिक्स करने के बाद, खूब बढ़िया से मिक्स करने के बाद, मिक्स करने के बाद भी जैसे बेड बनाया जाता है, 3 फीट चौड़ा बेड है और लगभग 9 इंच ऊँचा बेड है, ऊँचा बेड है। बेड बनाने के बाद इसमें एक एक फीट पर मल्चिंग कर दिया, प्लास्टिक की जो मल्चिंग आती है, मल्चिंग कर दिया, तो मल्चिंग से फायदा ये होता है कि इसमें नमी नीचे उड़ नहीं पाती है। दूसरा जो भी घास निकलते हैं, घास ग्रो करता है, ग्रो नहीं कर पाता है, जो मॉइस्चर इसका उड़ नहीं पाता है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया वातावरण मिलता है पौधों के लिए, तो विकास अच्छा करता है, विकास अच्छा करेगा तो उसका प्रोडक्शन हमको ज़्यादा प्राप्त होता है। तो सर इसमें जो है कि मैं देख रहा हूँ ये मल्च पेपर काफ़ी मोटा है, बहुत मोटा है। मोटा नहीं, हम लोग जैसे ट्रायल के रूप में लगा के देख रहे हैं कि मतलब सबसे सस्ता क्या लगाया जाए, सबसे सस्ता तो हम लोग पास ये पड़ा हुआ था, इसलिए हमको इसको यूज कर लिए। अब मल्चिंग लगाने का मेन रीजन ये है, इसका जो ये फ्रूट आप देख रहे हैं ना, ये मिट्टी पर पड़ेगा तो इसका सड़ने लगता है। अच्छा, इसलिए मल्च लगाना पड़ता है। यदि किसान के पास ये मल्च खरीदने की मतलब क्षमता नहीं है तो पुआल का भी मल्च लगा, पुआल का आसानी से मिल जाएगा। पुआल के इस क्षेत्र में पुआल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, धान गेहूँ ज़्यादा इधर होता है, तो पुआल का ही मल्चिंग कर दे किसान, यदि इसको मतलब खरीद नहीं सकता है उससे भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन कमा सकता है अपना। देखिए सर की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये आपको ऐसी चीज़ बताते हैं जो बाकी लोग बताना अवॉइड करते हैं। सर ने बताया कि अगर आपके पास मल्च पेपर खरीदने की क्षमता नहीं है, शुरू में आप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपके फसल के अवशेष हैं उसको यहाँ पे बढ़िया तरीके से लगा दीजिए। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके जो फ्रूट सेट होते हैं वो सड़ने से बच जाएं। क्यों सर? ये सड़ने से बच जाते हैं उसी से। जी सर, इसके लिए ज़मीन कैसी चाहिए होती है? ज़मीन तो जैसे इसके लिए सबसे अच्छी ज़मीन है हल्का क्षारी मिट्टी है, न्यूट्रल मिट्टी है, उदासीन मिट्टी है, उसमें कोई भी क्रॉप लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन इसका आ रहा है। अच्छा। तो लगा के देखें, इसका जो हम जिस फील्ड पर लगाए हुए हैं इसका पीएच 7.5 के आसपास है, 7.5 इस पर लगाए हैं, तो ऐसे जगह लगाना चाहिए जब जैसे कोई भी कंडीशन में बारिश का पानी इसमें लग ना पाए। हाँ हाँ, उसको बचा के लगाना। जैसे मान लो कभी कभी किसी क्षेत्र में जैसे लो लैंड पर नहीं लगाना है, थोड़ा अप लैंड पर ही लगाएंगे तो आपको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, फायदा ज़्यादा आप कमा सकते हैं। सर इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट कैसा रहता है, क्योंकि आपने इसको लेट लगाया है? हाँ, लेट इसको लगाए, हम तो ट्रायल क्लूब में लगाए थे, लेट लग गया है, लेकिन हाँ। सबसे अच्छा रहता है इसको अक्टूबर के शुरुआत में ही, फर्स्ट वीक में ही लगा दीजिए इसका प्लांटेशन। हाँ, प्लांटेशन इसका कर दीजिए, तो अक्टूबर में जब लगा देंगे तो उसका
नवंबर के लास्ट तक इसका प्रोडक्शन मिलने लगा, उस समय जो रेट बहुत अच्छा मिलता है, उसमें रेट इतना अच्छा मिलता है कि मतलब किसान उसको आसानी से अपना मैंने ज़्यादा मतलब प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकता है, क्योंकि ठंडक में जल्दी ख़राब नहीं होता जितना ज़्यादा इस समय जो देखें मार्च चल रहा है, ये जल्दी थोड़ा जल्दी ख़राब हो रहा है, मतलब जल्दी का दो तीन दिन के बाद ही ख़राब हो रहा है, लेकिन वो और लंबा समय तक चलने के ज़्यादा समय, क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है तो अच्छा चलता है इसको। तब ठंडी में लगाया जाता है तो एक बात किया जाता है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो मल्चिंग की हुई है बगल से टनल बना देते हैं, बगल से पॉलिथीन लगा के टनल, जब रात में जब ओस पड़ता है उस टनल को जो ढक दिया जाता है, लो टनल बना दिया जाता है, अभी सुबह उसको खोल दिया जाता है, इस समय टेम्परेचर ठीक आ गया है तो इसलिए उसको हटा दिया गया है। उसको लगाने से फायदा ये होता है ठंडक से बचेगा तो प्रोडक्ट इसका पाला से बचेगा, ठंडक से बचेगा तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, जब ग्रोथ अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अपने आप बहुत अच्छा मिलता है। अपने लेट लगाया है लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि फ्रूट की सेटिंग काफ़ी हाँ बहुत अच्छी है कि इसके पत्ते प्लांट में कोई इन्फेस्टेशन नहीं है। हाँ कुछ नहीं तो कोई रोग व्याधि तो लगा नहीं है इसमें, कहीं कहीं शुरुआत में देखें कीट लगे थे तो मैं 5 ml नीम का तेल लिया था। अच्छा ऑर्गेनिक भी पूरा किया हूँ। अच्छा, 5 ml नीम का तेल लिए थे, उसको थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट पाउडर मिला ताकि नीम का तेल उसी में डिजॉल्व होता है। अच्छा, उसके बाद 1 liter पानी में हम डाल दिए, डालने के बाद छिड़काव किए तो कीड़े मकोड़े जो भी थे इसके अंदर वो भी सब हट जाते हैं, अभी तक रोग इसमें कोई आया नहीं है। जब से मैं लगाया है सबसे बढ़िया है कि इसमें कोई रोग अभी तक नहीं आया है, देखने फर्स्ट टाइम है रोग कोई दिखाई नहीं दिया इसमें है। जी सर, ये सबसे बढ़िया किसानों के लिए, रोग नहीं तो बहुत अच्छा है, मतलब उससे बच जाएगा तो प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलेगा। हाँ। थोड़ा सा भी इन्फेस्टेशन हुआ तो सर ने ऑर्गेनिक का चुनाव करना बेहतर समझा, और सर का हमेशा लक्ष्य यही रहता है कि किसानों का जितना हो सके खर्चा कम किया जाए और जितना आसान तरीके से हो सके उनको समझाया जाए और उनको खेती की नई जानकारियाँ दिया जाए। सर ये एक चीज़ और बताइए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मार्केटिंग है और मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका मैनेजमेंट करें कैसे। मैनेजमेंट ये ध्यान देना कोई इसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं उसको ध्यान से, मतलब जो भी ऑर्गेनिक से जिसको कंट्रोल हो सकता है उसको ऑर्गेनिक छिड़काव करके उसको कंट्रोल कर लीजिए, कंट्रोल करने में इसको बार बार देखभाल करते रहिए, कहीं कुछ हो नहीं रहा है तब हम लोग जो जाते हैं डेली इसको वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं कोई कुछ हो नहीं रहा है, और उसके बाद इसमें बराबर खाद जो से हम इसमें जो खाद डालते हैं मुख्य रूप से हम जीवा मिर्च इसमें डालते हैं, देखिए बगल में जीवा मिर्च बना हुआ है 200 liter में बना हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा उसको जैसे 1 liter उसको लेते हैं 20 liter पानी मिला कर थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दिया जाता है। अच्छा, जिसकी वजह से उसका पौधे का ग्रोथ देखिए ग्रीन दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत सही दिखा रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि फल अच्छा आ रहा है उसको, जब से डालना स्टार्ट किया तो फल अच्छा ग्रोथ अच्छा, शुरू में लास्ट में लगाए लगता है कि बहुत प्रोडक्शन नहीं होगा, जब से जीवा मिर्च इसमें डालने लगे हैं तो इसका ग्रोथ अच्छा हो गया है, देखिए फल की साइज कितना अच्छी हो रही है, जीवा मिर्च डालने का ही मतलब कमाल है ये जो इतना अच्छा रहा है। ये तो हो गया सर, ये तो पूरा ऑर्गेनिक तरह से आप इसमें भी अच्छा करिए, किसानों को और अच्छी जानकारी देते रहते हैं आप। तो सर इसका मार्केटिंग का क्या सीन है कि मतलब आपने तो एक्सपेरिमेंट पर्पज से किया होगा तो मार्केट पे इस समय ध्यान नहीं दिया होगा आपने, तो मार्केट बहुत ध्यान नहीं मिली, तभी जहाँ जो फल बेचते हैं उनके लिए अंजाज कंसल्ट करने के पर तो जो एक डब्बा मिलता है 200 gram के आसपास प्लास्टिक का होता है कैन होता है, तो उसमें 200 gram पैक करके दे दिया जाता है जो फ्रूट सेलर है उसको दे दिया जाता है, तो हम तो यहाँ से देते 200 rupees kg देते हैं, वो अपना कुछ ज़्यादा ही अपना जितना कोई फायदा लेकर बेच देते हैं, 200 rupees kg आसानी से बिक जाता है, किलो से नहीं बिकता है वो सिर्फ एक डिब्बे तो लगभग उसमें 200 gram के आसपास आता है, वही वो लगभग 200 में बिकता है। हाँ महंगा वो बेचते हैं, हम लोगों से लेते हैं 200 rupees kg के आसपास लेते हैं और अपने जितना बेच देते हैं अपना फायदा ले लेते हैं वो सब। तो मैं जो है कि पिछली बार एक फार्मर के पास गया था, उनकी वीडियो अभी डली नहीं है, तो वो बता रहे थे कि जैसे स्पेंसर बिग बाजार हो गए वहाँ पे डायरेक्ट उनका माल जाता है, हम लोग तो अभी थोड़ा स्किल में लगाया गया है मतलब ट्रायल के रूप में, तो देवरिया मार्केट में ही जो फूड सेलर है कोशिश कंसल्ट कर लिया तो जितना डिमांड करते हैं उसको दे दिया जाता है। अच्छा, या बहुत से जो मतलब जो आदमी है जो मतलब शौकीन खाने के लिए वो डिमांड करते हैं तो उनको आके खुद यहाँ से ले जाते हैं फार्म से या खुद उनको किसी के माध्यम से पहुँचा दिया जाता है, वो जो शौकीन है उनको दे दिया जाता है खाने वाले। तो आपने जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाइयों कि यहाँ पे गेंदे के फूल लगे हुए हैं और भी सारी चीज़ें उधर लगी हुई हैं, ये सारा का सारा मैक्सिमम जो है कि आपको ऑर्गेनिक देखने को मिलेगा। तो प्रोफेसर साहब की वीडियो एक एक करके आएंगी, तो चैनल पे नए हैं तो किसान भाइयों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिए, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो हमें वहाँ भी फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।